आज हम आपको कोई कहानी नहीं सुनाने जा रहे, बल्कि बताने जा रहे हैं हिंदू माइथोलॉजी के कुछ ऐसे तथ्य जो आपकी आंखों के सामने होने के बावजूद भी शायद आपने अनदेखे कर दिए होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं माइथोलॉजी और नंबर्स के बीच के संबंध की और कुछ महत्वपूर्ण अंकों की। बियॉन्ड द स्टोरी में आपका फिर एक बार स्वागत है। अंक ज्योतिष, जिसे हम न्यूमेरोलॉजी भी कहते हैं, हमारे इतिहास और पुराणों में बहुत महत्व रखता है। ये विज्ञान सदियों पुराना है और आज भी ये दुनिया भर में उपयोग में लाया जाता है। हिंदुइज्म में अंकों का बहुत महत्व है। वेदों, पुराणों और हमारे कई और ग्रंथों में इनका वर्णन है और उनका महत्व भी दर्शाया गया है। इन अंकों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंक जो हमारे सामने आता है वो है अंक 9। नंबर 9 गणित में सबसे बड़ा सिंगल डिजिट नंबर है और हमारे ब्रह्मांड में हर जगह हम 9 अंक को पा सकते हैं। 9 प्रतीक है ब्रह्मा का, वो जिसने इस दुनिया की रचना की थी। 9 एक बड़ा ही दिलचस्प अंक है। बचपन में हम सब ने 9 का टेबल तो पढ़ा ही है, पर क्या कभी आपने इस टेबल को ध्यान से देखा है? ये टेबल एक बड़ी ही रोचक पैटर्न बनाता है। 9 को किसी भी अंक से गुणा भाग या मल्टीप्लाई करने पर उत्तर हमेशा 9 ही आता है। मतलब उत्तर कोई भी हो, पर उसे सिंगल डिजिट में तोड़ने पर हमेशा 9 ही मिलेगा। 9 अंक के इस महत्व को और पक्का करती हैं ये कुछ बातें। नवरात्रि का त्योहार जो हम 9 दिनों तक मनाते हैं और माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में 9 ग्रह यानी प्लैनेट्स हैं और माइथोलॉजी में भी नव ग्रहों का उल्लेख है। हिंदू फिलॉसफी के अनुसार सर्वभौमिक तत्व या यूनिवर्सल एलिमेंट्स की संख्या 9 है। ये एलिमेंट्स हैं पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ईथर, समय, अंतरिक्ष, आत्मा और मन। हम 9 महीनों तक अपनी माँ के गर्भ में रहने के बाद इस दुनिया में जन्म लेते हैं। साइकोलॉजी के मुताबिक इंसान के 9 रस या इमोशंस होते हैं। इसके अलावा केवल 9 ही नहीं, बल्कि 18, 108, 1008 और 10,800 अंकों का भी बहुत महत्व है, क्योंकि इन सब का भी जोड़ 9 ही आता है। चलिए जानते हैं इन सभी अंकों का महत्व। हमारे धर्म ग्रंथों का 18 अंक से काफी गहरा संबंध है। जैसे पुराणों की संख्या 18 है, महाभारत 18 किताबों में विभाजित है, भगवत गीता में भी 18 अध्याय हैं। महाभारत का असली नाम जया, जिसका मतलब विजय होता है, उसका अंक भी 18 है। इस अंक को वर्ड वैल्यू कहते हैं, जो कि संस्कृत न्यूमेरोलॉजिकल सिस्टम कटयपथी संख्या से आता है। इस कारण 18 जीत या विक्ट्री से जुड़ा अंक है। श्री कृष्ण की कास्ट यादवों में 18 वंश हैं। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था और उसमें हिस्सा लेने वाली सेना टुकड़ियों की संख्या भी 18 थी। रामायण का युद्ध 18 महीनों तक चला था। करते हैं हिंदू माइथोलॉजी के सबसे शुभ अंक की, जो है 108। रुद्राक्ष की माला में 108 कर्ण होते हैं। कहते हैं कि हनुमान चालीसा का 108 बार जाप करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हमारी पावन नदी गंगा का विस्तार 9 डिग्री लैटिट्यूड और 12 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, जिसका गुणा भाग आता है 108। हमारी पृथ्वी, चंद्र और सूर्य के बीच की दूरी का संबंध भी 108 ही है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सूर्य के डायमीटर से 108 गुना ज्यादा है। उसी प्रकार पृथ्वी और चंद्र के बीच की दूरी भी चंद्र के डायमीटर से 108 गुना अधिक है। इस प्रकार माना जाता है कि हमारे अस्तित्व की कड़ी भी इसी अंक से जुड़ी है,
और यदि हमें पृथ्वी जैसा ही कोई ग्रह ढूंढना है तो 108 का महत्व ही हमें इसमें मदद कर सकता है। शिव तांडव में 108 करना यानी हैंड और फुट मूवमेंट्स होते हैं। हमारी आकाशगंगा या गैलेक्सी में 27 नक्षत्र यानी कॉन्स्टिलेशन हैं, जो कि चार पदों यानी डायरेक्शंस में विभाजित हैं। 27 और 4 का गुणाकार भी 108 होता है। इसके अलावा और भी कई गणित हैं जहां 9 का महत्व समझा जा सकता है। पुराणों के हिसाब से हमारे चार युग हैं, सतयुग जो कि 17,28,000 साल लंबा था, त्रेता युग जो कि 12,96,000 साल लंबा था, द्वापर युग जो कि 8,64,000 साल लंबा था, और कलयुग जो 4,32,000 साल लंबा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन सब अंकों को जोड़ने पर उत्तर हमेशा 9 ही आता है। रोम ऋषि के द्वारा लिखी गई किताब के अनुसार एक व्यक्ति आमतौर पर दिन में 21,600 सांसें लेता है, जो कि फिर से जुड़ता है 9 पर। देवों और असुरों द्वारा किया जाने वाला समुद्र मंथन 10,800 दिनों तक चला था। ये उतना ही समय है जितना शनि ग्रह को सूर्य के आसपास एक चक्कर लगाने में लगता है, जो कि 29 साल के बराबर है। ये तो हम सभी जानते हैं कि शनि हिंदुइज्म और हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है। गोलाकार यानी सर्कल 360 डिग्रीज का होता है, जिसका जोड़ भी अंक 9 है। तो ये थे कुछ तथ्य जो दर्शाते हैं कि अंक हमारे जीवन में कितना महत्व रखते हैं। इससे हमें ये भी पता चलता है कि सनातन धर्म में लिखी गई बातें काफी सोच विचार करने वाली हैं और इनका वैज्ञानिक महत्व भी है। आज के इस वीडियो में तो हमने सिर्फ 9 और उससे जुड़े अंकों की ही बात की, पर हम बाकी अंकों की भी बात करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम फिर लौटेंगे इससे भी दिलचस्प कहानियों और तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।